ओम वंदे गुआ मात्रा। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते अभी तक हमने जो बात की है, गर्भावस्था के बाद, प्रसूता के बाद, जच्चा होने के बाद महिला को 10 दिन क्या खाना चाहिए, उसके विषय में हम बात कर चुके हैं। अब 10 दिन बाद क्या लेना, हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये समय बड़ा नाजुक होता है, जहां आप यदि अपने आप को थोड़ा ना संभालें तो समस्या आजीवन बनी रहती है। तो अब भोजन क्या लेना, 10 दिन के बाद का भोजन क्या है, क्योंकि अब आपका अन्न चालू होगा, तो अन्न में आप भोजन कैसे लेंगे, क्या लेंगे, हम आपको बता दें। हाँ, भोजन की मात्रा आपकी भूख अनुसार होती है, उसमें कम अधिक या इतना ही खाना ऐसा नहीं होता है। तो भोजन की मात्रा अपनी भूख के अनुसार ले सकती हैं। भोजन में हरी सब्जी, मूँग की दाल, रोटी लेना चाहिए, 5 गांठ सौंठ की और करीब 20 ग्राम लौंग, अर्थात ये आप मान लीजिए 20 ग्राम सौंठ और 20 ग्राम लौंग मिलाकर इसको पीस कर रख लें। भोजन करते समय दाल सब्जी में इस चूर्ण को डालें। सुबह शाम लड्डू कैसे बनाना, मैं भी आपको बता देंगे। लड्डू खाकर गर्म दूध पीना है। हरीरा या लड्डू खाने के 1 घंटे बाद तक जल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक हो जाता है। खाना खाने के बाद भुनी हुई हींग का सेवन करें। अच्छा, ये हो गया एक सामान्य भोजन। अब जो नहीं खाना है, विशेषकर दही या खट्टी चीज़ें आपको अभी नहीं लेनी है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। हल्का फुल्का टमाटर यदि लेना है तो 1 टमाटर लिया तो समस्या नहीं होती है, लेकिन दही है, नींबू है, इमली है और खट्टी चीज़ें, ये आपको अभी हानि कर सकती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ का प्रयोग आप ना करें। चावल आदि खाना है। उत्तर भारत और ये पश्चिम भारत में चावल हानिकारक हो जाता है, पर दक्षिण भारत की महिलाएं चावल खाती तो उनको हानि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ मात्र चावल ही उत्पन्न होता है, तो वो खा सकते हैं। तो इस विषय में आपके जो बड़े बूढ़े घर में दादी नानी बैठी हैं, उनसे पूछिए, उनको विशेष राय मालूम होगी, वो अधिक आपको बेहतर बता पाएंगे कि भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ऐसी चीज़ों में। अन्यथा आप सिंपल, सादी सिंपल दाल रोटी सब्जी खाइए तो समस्या नहीं आती है। अच्छा, अब आपको लड्डू बनाने की सामग्री और विधि हम बता दें। लड्डू बनाने में जो सामग्री लगनी है, पहले वो लिख लीजिए आप। ये आपको लिखनी होगी, मैं आपको लिख के कहीं नहीं दे पाऊंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। सौंठ 100 ग्राम, पीपला मूल 20 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, पीपला मूल 20 ग्राम, पीपल 20 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, जायफल 1 नंग, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, अश्वगंध को अश्वगंधा भी कहते हैं, अश्वगंधा चूर्ण होता है वो 20 ग्राम लेना है, मिश्री 20 ग्राम, गोखरू 20 ग्राम, शतावर 20 ग्राम, बिदारी कंद 20 ग्राम, काली मूसली 20 ग्राम, संभालू के बीज 20 ग्राम, सुपारी के फूल 20 ग्राम, चिकनी सुपारी 50 ग्राम, केसर 5 ग्राम। मित्रों, ध्यान रहे, ये जो सारी सामग्रियां आपको शायद 2-3 बार सुन के भी लिखनी पड़ेगी, तो आपको वैसा करना होगा, क्योंकि मैं आपको लिख के नहीं दे पाऊंगी और ना ही इसको किसी और तरीके से दे पाऊंगी, तो ये आपको अपने स्वयं सुन के ही करना होगा, इसलिए मैंने बड़े शांति से बोला है। उसके अलावा आवश्यक जो मेवे हैं वो इसमें क्या क्या लगेंगे, बादाम 250 ग्राम, छुआरा 500 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, चिरौंजी, चारोली भी बोलते हैं चिरौंजी, 250 ग्राम, गोंद 250 ग्राम, गरी का गोला, कोपरा बोलते हैं कहीं, गरी का गोला बोलते हैं 500 ग्राम, गुड़ 2 किलो, घी आवश्यकता अनुसार या करीब 150-200 ग्राम या 250 ग्राम जितना लग जाता है, क्योंकि जो पदार्थ है उनमें कितना तेल आदि छूटता है उस पर निर्भर करता है। पहले धीमी आँच पर गोंद को तल लें, फिर सारी जो मेवे हैं उनको काट कर, आपको ध्यान रहे आपको मेवे पीसने नहीं हैं, काटने हैं, तो मेवे काट कर उनको भी तल लें। उसके बाद जो दवाइयां हैं उनको सारा घी में भून लें, और उसके बाद सबको भून के सबको मिलाकर गुड़ को कूट कर उसमें मिलाएं और इसकी लड्डू बनाने हैं। लड्डू सारा चीज़ें मिलाकर फिर आपको लड्डू बना लेने हैं। अब कुछ जगह इसमें आटा भी मिलाया जाता है, तो आप इसमें आटा भी मिला सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार, पर आटे को आपको घी में भूनना होगा और उस अनुसार आपको इसके लड्डू बनाने होंगे। आटा में कहीं भी पानी ना मिलाएं, पानी मिलाने से ये लड्डू अधिक समय तक नहीं चलते हैं, खराब हो जाते हैं, तो खाए नहीं जाते और स्वाद अच्छा नहीं होता है। फिर तो घी में ही लड्डू बनाएं, तेल आदि का प्रयोग ना करें, घी का प्रयोग करें, और घी देशी गाय की का हो तो ज़्यादा अच्छा, अन्यथा जो घी आपको मिल जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका लड्डू और भोजन हो गया। उसके अलावा पान इस प्रकार बनाएं, इसमें 1 पान में थोड़ा सा कत्था, सूखा कत्था, गीला ना लें, नाम मात्र का कत्था होगा, कत्था इसमें
अच्छा नहीं होता है, पर नाम मात्र का यहाँ कत्था लगाया जाता है। चूना अवश्य लगाएं, क्योंकि चूना जो है वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। जायफल के 2-3 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, सुपारी के 2-3 टुकड़े, थोड़ी सी जायपत्री और एक लौंग रखें। इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो स्वाद के लिए गुलकंद भी ले सकते हैं, पर थोड़ा सा गुलकंद लें, अधिक ना लें, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार इसमें गुलकंद के स्थान पर गुड़ भी आप ले सकते हैं, गुड़ अच्छा काम करता है, गुड़ भी आप ले सकते हैं। और हाँ, भोजन के बाद आपको गुड़ अवश्य लेना, ये गुड़ आपकी पाचन शक्ति को भी अच्छा करेगा और आपके लिए स्वास्थ्यप्रद भी होगा, ये गैस आदि नहीं बनने देगा। उसके बाद आता है दशमूल काढ़ा। दशमूल काढ़ा इसे सुबह शाम 2 बार भोजन के बाद आधे घंटे बाद सेवन करना, ये काफी लाभकारी है। मालिश प्रसूता के लिए करीब 40 दिन तक मालिश करवाना आवश्यक होता है। मालिश सरसों के तेल से या आप तिल के तेल से भी करवा सकते हैं, बादाम रोगन से भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मालिश किसी दक्ष महिला या जिससे भी महिला से करवाएं, क्योंकि यदि कोई ऐसे वैसे कर गई तो कई बार समस्या और बढ़ जाती है। क्योंकि मुझे जब पहले बार मालिश करवाई थी तो मुझे उसमें बुखार आने जैसा हो गया था, तो जरा इस बात का ध्यान रखें मालिश आप करने के बाद आपको कैसा लग रहा है। यदि शरीर टूट रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, मालिश वाली ऐसी हो जो उसको अपने काम का अनुभव हो। उसके बाद मंजन, प्रसव के बाद प्रसूता को 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर मंजन करना चाहिए, इससे मसूड़े स्वस्थ बनेंगे। ये बहुत अच्छा मंजन होता है, ये सामान्य स्थिति में हर कोई करे तो उससे भी दांत मजबूत होते हैं, लेकिन इस समय जो थोड़े जो दांत कमजोर हो जाते हैं उसके लिए हम ये विशेष प्रयोग बताते हैं। पेट बड़ा ना हो इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं। प्रसव के बाद अधिकांश स्त्रियों का पेट बड़ा हो जाता है, तो आप उसको बेल्ट से बांधें। बेल्ट अर्थात इतना चौड़ा कपड़ा लेंगे, करीब 8 से 10 इंच का कपड़ा, उसको आप पूरे पेट के आसपास लपेट देंगे, जिससे वो पेट बंध जाएगा और वो उसको फैलने को जगह नहीं मिलती। क्योंकि प्रसूति होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद जो पेट है उसमें जगह काफ़ी होती है तो छूट जाता है, तो उसके लिए आप बांध के रखेंगे तो वो उतना शेप में, उतना आकार में आ जाएगा, तो ये बढ़ेगा नहीं। और उसके अलावा आप व्यायाम करते रहें। आपको हमने शुरुआत नहीं बताया कि आपको कैसे क्या व्यायाम करना है, वो आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। और बच्चे को दूध पिलाते समय यदि आपने पहले भी प्राणायाम किया है तो आप वो प्राणायाम चालू रखें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आप बच्चे को दूध पिलाते पिलाते भी कर सकते हैं। हमने बैठने का तरीका बताया, आप कैसे सीधा बैठ के दूध पिला सकते हैं, इससे आपको समस्या नहीं होगी। और ध्यान रहे बच्चे को दूध लेट के ना पिलाएं, इस पर हम बाद में बात करेंगे, तो अभी ये सब आपको करना है। और अभी आपको बिल्कुल भी वजन बढ़ने की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वजन बढ़ जाएगा तो बाद में आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप 40 दिन के बाद अधिक पड़े ना रहें। बच्चे का काम यदि आप स्वयं करते हैं, आलस नहीं करना है। यदि आप आलस कर गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आलस ही वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। आलस ना करें तो वजन कदापि नहीं बढ़ता है। ये अंक अच्छा लगा तो अपने मित्रों को बताइए, लाइक करिए और वीडियो विवरण के वीडियो अवश्य देखिए। यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक हैं तो उन वीडियोस को देखेंगे तो आप हर रोग को ठीक कर सकते हैं। वो वीडियोस ऐसे हैं जो हर रोग को ठीक कर सकते हैं, कैंसर से लेकर बाल झड़ने तक को। तो लेकिन आप बहनें मेरी वहाँ से प्राणायाम तो सीख ही सकती हैं, प्राणायाम देख के आप वो करें। अभी आपके लिए सारे नियम लागू नहीं होते इसलिए हम आपको सारे नियम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, नाक में कान में तेल डालना कदापि बंद ना करें, ना अपने और ना ही बच्चे के नाक में कान में तेल डालना बंद करें। वो सदैव आपको आजीवन डालना है, जिससे आपकी सांस, शिशु की सांस नाक से चल सके और सारी चीज़ों में आराम मिल सके। आधी तो बीमारियां नाक से सांस चलने से ही ठीक हो जाती हैं। तो और कुछ नया विषय जानना है तो टिप्पणी करिए, हम आपको उस पर वीडियो अवश्य देंगे। जो बना है तो हम आपको बोल देंगे वहाँ देख लीजिए, और नहीं है तो हम नया वीडियो दे देंगे आपको। और दूसरी बात है कि आपके जो टिप्पणियाँ वो मेरा मार्गदर्शन भी करती हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाती हैं, तो हर स्थिति में वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।